नमस्ते दोस्तों, आज 11 अक्टूबर 2022 को ऐसे शेर कि जिनमें बड़े एक्शन हमें देखने को मिल सकती है, वो भी खबरों के दम पर। वो कौन से शेर है वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेल्टा कॉर्प के नतीजे आने वाले हैं, प्लस GM ब्रीवरीज ट्रीडेंट के भी नतीजे आने वाले हैं। पीवीआर आईनॉक्स के मर्जर पर शेयरधारकों की बैठक आज 11:30 बजे पीवीआर और आईनॉक्स की मर्जर की बैठक होने वाली है। तो इसलिए पीवीआर और आईनॉक्स में भी बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। वेदंता, रिजर्व से निकासी को लेकर शेयर होल्डर्स की वोटिंग होगी। वेदंता में रिजर्व से निकासी को लेकर शेयर होल्डर्स की वोटिंग होगी। उसके बाद है ग्रैन्यूल इंडिया, बायबैक बंद होगा, बायबैक प्राइस 400 रुपये प्रति शेयर होगा, प्रति शेयर है। टेक्सन टेक्नोलॉजी IPO आज पहले दिन 23% भरा, टेक्सन टेक्नोलॉजी का IPO। TCS का क्वार्टर 2 के नतीजे अनुमान से बेहतर आए हैं। मुनाफा 10% बढ़कर 10,431 करोड़ रुपए, आय 4.8% बढ़कर 55,309 करोड़ रुपए, और डॉलर आय 1.4% चढ़कर 687.7 करोड़ डॉलर। मार्जिन 23.1% से बढ़कर 24% रही। 8 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया गया। इन्फोसिस, 13 अक्टूबर को नतीजे के साथ बायबैक पर विचार किया जाएगा। इन्फोसिस का क्वार्टर 2 का रिजल्ट वो 13 अक्टूबर को आने वाला है, और उसके साथ बायबैक पर भी विचार किया जाएगा। तो इसमें भी, इन्फोसिस में भी बड़ी एक्शन हमें देखने को मिल सकती हैं। इंडिया सीमेंट, JSW सीमेंट के साथ शेयर परचेस एग्रीमेंट किया है। इंडिया सीमेंट में JSW सीमेंट के साथ शेयर परचेस एग्रीमेंट किया है। NCL इंडिया सीमेंट, प्रोडक्शन में 11% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। पैरासिया बायोटेक, UNICEF पाहो PHO से 1,043 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। पांसियो बायोटेक, UNICEF PHO से 1,043 करोड़ का ऑर्डर मिला। द पेंटावेलेंट वैक्सीन के लिए ऑर्डर मिला। ओके, ये वापस मैं बोलता हूँ, पेनासिया बायोटेक UNICEF PHO से 1,043 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला, पेंटावेलेंट वैक्सीन के लिए ऑर्डर मिला है। तो दोस्तों, ये थे आज के खबरों वाले शेयर जिनमें हमें ज़्यादा एक्शन देखने को मिल सकती है आज के दिन। वीडियो अच्छी लग रही हो आपको, अगर मैंने दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको सही लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना ज़रूर, जिससे कि मैं आपको हर दिन न्यू अपडेट्स आपके पास पहुँचाने में समर्थ रहूँ। थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।